हेलो फ्रेंड्स, अमित टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विंटर के एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जरबेरा के बारे में। दोस्तों, जरबेरा एक तरह से परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। दोस्तों, ये विंटर सीजन के फ्लावर में एक बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट है। इसके फ्लावर को बुके वगैरह के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और शादी में इसका इस्तेमाल कट फ्लावर के रूप में भी किया जाता है। दोस्तों, जरबेरा के फ्लावर कई कलर में नर्सरीज में उपलब्ध होते हैं। ये फ्लावर सिंगल और मल्टी पेटल में भी आते हैं। दोस्तों, जरबेरा 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने पर इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। दोस्तों, जरबेरा के मेरे पास 5 प्लांट हैं। दोस्तों, ये रेड कलर वाला जरबेरा मैंने 6 महीने पहले नर्सरी से खरीदा था। ये पिंक कलर और मैजेंटा कलर का फ्लावर जो है, ये मेरा 1 साल पुराना प्लांट है। और इसमें ये जो कलियां आई हुई हैं, ये 2 प्लांट, इसको भी मैंने 6 महीने पहले नर्सरी से खरीदा था। दोस्तों, आप देख रहे हो इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मेरे जरबेरा के प्लांट में और कितनी ज़्यादा बर्ड्स भी आई हुई हैं, आप ये देख सकते हो। ये देखिए कितनी ज़्यादा बर्ड्स आई हुई हैं। दोस्तों, जरबेरा के प्लांट को लगाने के लिए हमें बहुत बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा आप देख रहे हो, मेरे ये 2 प्लांट 6 इंच के पॉट में लगे हैं, ये 2 8 इंच के पॉट में और ये 1 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है और सभी में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके पॉट इमेज की। दोस्तों, जरबेरा का प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको मॉइस्चर तो पसंद है परंतु ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। इसलिए जरबेरा की पॉटिंग मिक्स बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पानी खड़ा ना हो। दोस्तों, वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए मैंने इसमें 40% मिट्टी, 30% कंपोस्ट और 30% रिवर सेंट का प्रयोग किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सनलाइट। दोस्तों, जरबेरा के प्लांट को आप विंटर के सीजन में फुल सनलाइट में रखें और समर सीजन में या गर्मियों के सीजन में इसको सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप, उसके बाद आप इसको जहां धूप छन कराती हो वहां रखें या किसी छायादार स्थान पर रखें। दोस्तों, अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो मैं व्यक्तिगत तौर पर बैलेंस्ड एनपीके का प्रयोग करता हूं। आप किसी भी बैलेंस्ड एनपीके 18-18-18, 19-19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। हर 15 दिन के अंतराल पर 1 लीटर पानी में 3 ग्राम बैलेंस्ड एनपीके का स्प्रे अपने पौधों के ऊपर करता हूं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके वाटरिंग की। दोस्तों, जरबेरा का पौधा ऐसा पौधा है जिसको अपनी मिट्टी में मॉइस्चर तो पसंद है लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं।
दोस्तों, जरबेरा के प्लांट में पानी देते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसके क्राउन पोर्शन के ऊपर से पानी नहीं देना है, बल्कि इसके पत्तों को ऐसे हटाकर पानी देना है। दोस्तों, जरबेरा के प्लांट में इस बात का हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसका क्राउन पोर्शन मिट्टी के अंदर ना दबा हुआ हो। अगर इसका क्राउन पोर्शन मिट्टी के अंदर दब जाएगा तो हमारा पौधा फंगस लगने के कारण खराब हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं पेस्ट और डिजीज की। दोस्तों, जरबेरा के प्लांट में सबसे ज़्यादा समस्या फंगस की आती है, इसलिए हर 15 दिन के अंतराल पर हमें किसी भी अच्छे फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर साफ फंगिसाइड का प्रयोग करता हूँ। फंगिसाइड का प्रयोग आप स्प्रे के रूप में भी करें और इसकी मिट्टी में भी डालें। दोस्तों, जरबेरा के प्लांट में दूसरी समस्या यह आती है, इसके पत्तों पर लीफ माइनर का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। इससे बचाव के लिए आप किसी भी अच्छे कीटनाशक का प्रयोग करें। कीटनाशक का प्रयोग आप हर 15 दिन के अंतराल पर अवश्य करें। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।